उम्मीद करना कि सारे खैरियत हैं दोस्तों। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर। आज ये जनाब तारीख 14 जून और दिन है जुमेना। और तुम्हें पता है कि आज तो एक दो दिन बाद जनाब ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद जी है आने वाली है। और आज तक जाना चाहिए कि शहर अंदर बहुत ज़्यादा रश होना चाहिए, कुरबानी ने जानवर में लोग होने चाहिए, बाकी शॉपिंग में जनाब लोग अच्छे चाहिए, मगर तक बाजार थोड़ा खाली है क्योंकि अज शहीद चौक ने एक बहुत बड़ा जनाब जलसा होना पाया। और वो जलसा आया कि असिरान ने जॉइंट एक्शन कमेटी, जैसे तुम्हें पता है कि 11 मई अंदर एक तहरीक चली सी जॉइंट एक्शन कमेटी वाले जनाब उन्होंने सारे लॉन्ग मार्च की सी डडियाल तो किता है मुजफ्फराबाद तक। उन्होंने कुछ मुतालबात सन और मुतालबात ये सन कि आटा और जो बिजली है वो जनाब सस्ती की दी जाए। वो तो खैर हुकूमत उन्होंने वो जो सन उन्होंने पर एग्री हुई सी, उन्होंने तमाम मुतालबात जनाब पूरे करने के वादा किया गया और किया गया जनाब के खिलाफ कोई भी किसी किस्म की जी है ना एक्शन नहीं किया जाना, मगर कुछ गिरफ्तारियां अमली लाइया गई और जो बंदे गिरफ्तार है उन्होंने रिहा करने से उन्हें दोबारा जनाब लॉन्ग मार्च ना इनका होया। और पुंछ ने बंदे, रवला कोट ने बंदे, हजीरे ने साइड ने बंदे, बाकी सरसा पंजेरा वो सारे जनाब इसने पहुंच गया ने कोटली, क्योंकि जिन्हें बंदे गिरफ्तार हैं वो इस टाइम कोटली मौजूद हैं। और उन्होंने जनाब मुतालबात क्या है जुले हैं तुम की जरा दसने कि शहीद चौक ने जनाब क्या मनाजर है। न जाने पता नहीं साढ़े कश्मीर की जनाब किस नज़र लगी है कि असा
اس کشمیر نے خوبصورتی پروموٹ کرنے رہنے اور اس طرح جناب واقعات ہون رنما ہو رہے میں ہی تھے سوسارے نیجڑے بھی اس اجلاس میں شامل ہیں ریکویسٹ کرسا کہ کوششیں کرو کہ حالات جن کشمیر کی طرف نہ جان جڑی حکومت ہے جڑے ادارے میں ریکویسٹ کرنے ہیں کہ جتنا پاسبل ہو سکے اس چیزیں کی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے ہوگی ہوگی بہت سر